एका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शबीर भट्टी ने 50,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अरूबा कोमल की जानिब से सरदार मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इसी मुकदमे में पहले से दो खवातीन की जमानत मंजूर हो चुकी। सरदार मसरूफ एडवोकेट अरूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानते रिजवान काजी से। जी रिजवान बताइएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने 50,000 रुपए मालियती मुचलकों के एवज यह जमानत मंजूर की गई है। आज सुनवाई के दौरान सरदार मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि इस मुकदमे में पहले से दो खवातीन की जमानत मंजूर हो चुकी है। अरूबा कोमल एफआईआर में नामजद भी नहीं है। वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर करने का हुक्म सुना दिया है। अरूबा कोमल को गुज़श्ता रोज ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया था। तर्जमान पीटीआई रोफ हसन अरूबा कोमल और दिगर कारकुनान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत एफआईए में मुकदमा दर्ज है। जी, पीका एक्ट के तहत एफआईए में मुकदमा दर्ज है। रिजवान काजी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।